सुप्रभात क्लास 7। आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चिल्ड्रेन, आज हम लोग बाल रामायण पढ़ेंगे। बाल रामायण में हम लोग युद्ध कांड पढ़ रहे थे। युद्ध कांड में हम लोगों ने देखा कि लास्ट हम लोग जो छोड़े थे वहाँ था कि रावण अपना दो गुप्तचर राम की सेना में भेजता है, और जब ये गुप्तचर वेश बदल के घूम रहे होते हैं तो विभीषण उन्हें पहचान जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर राम के सामने लाया जाता है। तो राम जो है वह कहते हैं कि अभी कुछ देखना बाकी है तो देख लो, और विभीषण के साथ जाके देख लो। उसके साथ ही वह रावण को यह संदेश भेजते हैं कि कल सुबह ही तुम सब लंका को मेरे बाणों से घिरा हुआ पाओगे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों दूत शुक और सारण लंका पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर वे राम के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो यह सुनकर रावण जो है वह क्रोधित हो जाता है, कहता है कि तुम वानरों से पीड़ित होकर ऐसा कह रहे हो। उसके बाद रावण वानर सेना का निरीक्षण करने के लिए ऊंची अट्टालिका पर चढ़ गया और बोला, तुम यहाँ आकर बानरों की सेना और सेनापतियों के बारे में मुझे बताओ। तो वही दोनों दूत जो है उसके साथ ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर चढ़कर बानरों का परिचय देते हुए सारण बोलता है, एक एक का सबका परिचय देता है कि जो लंका की तरफ मुंह करके खड़ा है वह सेनापति नील है, उसके पास ही नल खड़ा है, इन्होंने ही पुल का निर्माण किया है, इनकी अपनी सेना जो है 10 अरब शक्तिशाली बानरों की है, विशाल काय और बाली का पुत्र अंगद है, सामने लंका दहन करने वाले केसरी पुत्र हनुमान हैं, उनके पास ऋछों की विशाल सेना है, ऋछों की विशाल सेना के साथ जाम्बवंत खड़े हैं। इस प्रकार उनके समीप राम खड़े हैं जिनकी पत्नी को आप हार लाए थे, उसके पास ही विभीषण खड़े हैं। रावण जो है अपने अट्टालिका से सब कुछ देखता है। जब दूत कहते हैं कि विभीषण जो राम के पास खड़े हैं, राम ने उनका राज्याभिषेक करके लंका का राजा बना दिया है। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित होता है और अपने अंतःपुर में चल जाता है और अपने मंत्रियों को युद्ध की तैयारी का आदेश देता है। इधर विभीषण के मंत्री पक्षी का रूप धारण करके रावण की युद्ध की तैयारियों का निरीक्षण करने लगे और आकर राम को बताने लगे। इसे ध्यान में रखकर राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। उस रात जब वानर युद्धपतियों सहित सुवेल उस रात सब वानर युद्धपतियों सहित सुवेल पर्वत पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका का निरीक्षण किया। राम उस रात लंका का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने निश्चय किया कि वानर सेना एक साथ ही चारों ओर से लंका पर आक्रमण करेगी। अगले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में राम सेना सहित आगे बढ़े। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत सहित वानर सेना आगे बढ़ती जा रही थी। बानरों ने अपने हाथ में बड़े बड़े वृक्ष तथा शिलाखंड यानी कि पर्वत उठा रखे थे। लंका का उत्तरी द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, मैंने पर्वत की तरह ऊंचा था उत्तरी द्वार। राम विशाल सेना के साथ उस द्वार पर गए। अंगद ने दक्षिण द्वार संभाला तथा परमार्थी प्रघस, हनुमान आदि वीरों ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। श्री राम की आज्ञा से विभीषण ने प्रत्येक द्वार पर करोड़ों वानरों को नियुक्त कर दिया। लंका का घेरा डाले उस विशाल वानर सेना को देखकर राक्षस भयभीत हो उठे। वानरों के भयंकर गर्जना से मलय पर्वत भी कांपने लगा। रावण की आज्ञा पाकर विशाल राक्षस सेना चारों द्वारों से बाहर निकल पड़ी। सभी राक्षस जो हैं अपनी गदाओं, शूल और फरसे लेकर निकल पड़े और युद्ध शुरू हो गया। विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े पर्वत, शिलाएं मतलब बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े फेंकने लगे तथा नख और दांतों से चोट पहुंचाने लगे।
उस युद्ध में मेघनाद ने राम और लक्ष्मण के ऊपर नागों वाले विषैले बाण छोड़े, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित हो गए, यानी कि बेहोश हो गए, और वह विजय घोष करता हुआ लंका में चला आया। रावण जब यह समाचार सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है और वह आदेश देता है कि सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर रणभूमि में ले जाओ और दिखा दो कि राम लक्ष्मण मारे गए हैं। त्रिजटा सहित राक्षसियाँ जब सीता को विमान से रणभूमि ले गई तो सीता धरती पर पड़े राम और लक्ष्मण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तब त्रिजटा ने कहा कि मिथिलेश कुमारी, तुम व्यर्थ शोक कर रही हो। इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल बाण लगने से ये अचेत हो गए हैं। यह सुनकर सीता शांत हो गई। राम और लक्ष्मण को अचेत पड़ा देखकर सुग्रीव जो है वह बहुत डर गए और रोने लगे, फूट फूट कर विलाप करने लगे। तब राम की मूर्छा टूटी। लक्ष्मण को नागपाश में बंधा देखकर और बेहोश देखकर राम भी रोने लगे। तब पक्षियों के राजा गरुड़ वहाँ आए। उनकी कृपा से राम लक्ष्मण तत्काल ही नागपाश से छूटकर स्वस्थ हो गए। यह देखकर सभी बानर अत्यंत प्रसन्नता से कूदने लगे। रावण को जब राम और लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार मिला तो उसने धूम्राक्ष को विशाल सेना के साथ वहां भेज दिया। जहां भेजा वहां पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी सेना सहित थे। वानरों और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। वानरों ने वृक्ष से मारकर असंख्य राक्षसों को धराशायी कर दिया। हनुमान ने धूम्राक्ष को मार गिराया। फिर वज्रदृष्ट वहां आया। उसने अपनी बाण वर्षा से वानरों को भयभीत कर दिया। अंगद ने एक विशाल पेड़ से वज्रदृष्ट के रथ को चूर चूर कर दिया। उन्होंने तेज तलवार से ब्रंज वज्रदृष्ट का सिर काट डाला। उसे मरा हुआ देखकर राक्षस भय से अचेत होने लगे। हनुमान ने एक पर्वत घुमाकर अकंपन की ओर फेंका। अकंपन ने दूर से ही अपने बाणों से पर्वत को चूर चूर कर दिया। तब हनुमान ने एक विशाल पेड़ से उसे कुचल डाला। अकंपन के वध का समाचार पाकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने मंत्रियों से विचार किया और सब मोर्चों का निरीक्षण किया। रावण ने प्रहस्त की वीरता की चर्चा कर उसे उत्साहित किया तथा युद्ध के लिए भेजा। प्रहस्त की विशाल सेना को देखकर वानर कोलाहल करने लगे। प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। नील ने भारी विशाल सेना से प्रहस्त को कुचल डाला। राक्षसों में हाहाकार मच गया। तब वे लंका में भीतर की ओर भागने लगे। इस प्रकार प्रहस्त भी मारा गया। ठीक है चिल्ड्रन, आज बस हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।